हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज कॉपी राइटिंग और आप कॉपी राइटिंग स्टार्ट करके पैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ कि कॉपी राइटिंग का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी राइटिंग इज द एक्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग और अदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मैं इसको सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपीराइटिंग सिर्फ एक ऑक्यूपेशन बोला जाता है, एक काम बोला जाता है, उस टेक्स्ट को लिखना जिससे मार्केटिंग की जाए, जिससे एडवर्टाइजिंग की जाए, जिससे प्रोडक्ट की सेल और सर्विस सेल हो। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉपीराइटिंग की जाती है। अब कॉपीराइटिंग ना बहुत ही ईजी चीज है, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। अगर आप किसी सेल्स एंड बिजनेस में हो तो कॉपीराइटिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप वहां पर बता रहे हो कैसे सेल करो। जैसे मैं कुछ एड्स के यहाँ पर कॉपीराइटिंग एड कॉपी यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अब देखो इस एड में क्या है, कोडिंग निंजा की ये एक एड है जिसमें मास्टर फुल स्टैक डेवलपमेंट इन 9 मंथ्स 100% जॉब गारंटी। ठीक है, अब इसमें कंटेंट जो लिखा हुआ है ना उसे कोई भी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, 100% जॉब गारंटी दे रही है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, इसमें बुक करेंगे, इसकी फीस पे करेंगे, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ फीस पे करेंगे। ठीक है, अब उससे इनकी सेल जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखो कॉपी राइटर जो है ना उसने जो ये कंटेंट लिखा हुआ है तो उसने उस तरीके से लिखा हुआ है सो दैट इसकी सेल ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। ठीक है, अब मैं एक और ऐड का आपको दिखाता हूँ, ऐड कॉपी दिखाता हूँ। यहाँ पर जो टेक्स्ट और कॉन्टेंट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या किस तरीके से अट्रैक्ट किया इन्होंने, डोंट पे फॉर लीड्स अगेन। ठीक है, तो ये जो कॉन्टेंट हम देखते हैं ना जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं, लैंड करते हैं इनके वेबसाइट्स पे, जिससे मार्केटिंग की जाती है, ठीक है, जिससे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बढ़ाई जाती है, हम जो हम देखते हैं टीवी में भी एड्स देखते हैं, उसके पीछे कोई टीवी की एड डिजाइन कर रहा होता है, डिजाइन इन द सेंस उसको लिख रहा होगा कि इसको प्रेजेंट कैसे करता है, फिर इसको वीडियो फॉर्मेट पे चेंज किया जाता है, पहले जो टेक्स्ट में रिटर्न हो, तो उस कॉन्टेंट टेक्स्ट कॉन्टेंट को कॉपी राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर आप कैसे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। देखो कॉपी राइटिंग अगर स्किल आपको आ गई ना तो आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको प्रोडक्ट सेल करने आ गया तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स आपको आती है तो आप उसको बेहतरीन कॉपी राइटिंग करके, बेहतरीन अट्रैक्शन करके, अच्छी खासी कॉपी राइट स्क्रिप्ट रेडी करके, अच्छा खासा कॉन्टेंट क्रिएट कर कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो इन विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। ठीक है, सबसे पहले अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करो। और अगर आपकी कोई सर्विस है, सिंपल एग्जांपल जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ठीक है, और तो आप सेल कर सकते हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो इसका एक कॉपीराइट या फिर एड कॉपी बना के आप इंटरनेट पे रन करो या फिर लोगों का अप्रोच करो। ठीक है, तो एक ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करो जिससे लोग आपसे काम करवाना चाहें। ठीक है, लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहें, लोग आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहें, दैट कॉन्टेंट इज कॉल्ड एड कॉपी। तब आपको पता चलेगा कि आपकी सेल इंक्रीज हो रही है कि एवरेज चल रही है, तब आप इम्प्रूवमेंट करोगे, तो आपको समझ में आएगी कॉपी राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अपने कंटेंट को सेल करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं, एकदम बिगनर, तो आप कोई ना कोई एफिलिएट प्रोडक्ट स्टार्ट करो। ठीक है, एफिलिएट प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना स्टार्ट करो जिसमें आपको प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप एफिलिएट को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉपी राइटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट उनको भी कॉपी राइटिंग पता चले। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कॉपी राइटिंग किसी चीज को कॉपी देख के रिटर्न करना, राइट लिखना होता है, दैट इज नॉट कॉपी राइटिंग। ओके, तो ये वीडियो शेयर करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे डिटेल्ड किसी भी चीज के ऊपर वीडियोज में रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ सो दैट आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।